गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है विंडोज का सभी शॉर्टकट की। आप लोग देखिए, ये पेंट खुला है, मैं इसको छिपा लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। उसके बाद आप देखिए, Alt plus Tab हम दबाएंगे तो देखिए ये खुल रहा है हिस्ट्री। जितना सॉफ्टवेयर खुले रहेंगे एक एक करके हम देख सकते हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक, हिस्ट्री विंडोज टैब से आप देख सकते हैं। हो गया, विंडोज टैब हमने प्रयोग कर लिया। अगला जो है Alt space N, जैसे ही ये फाइल खुला हुआ है, जैसे ये टाइपिंग खुला हुआ है और Alt space N दबाएंगे, जैसे ही Alt space N दबाएंगे हम, देखिए ये खुला हुआ है, Alt space N दबाएंगे, ये क्या है, मिनिमाइज हो गया, ठीक। Alt space N से आप इसको छिपा सकते हैं, स्टेटस बार में छिपा सकते हैं, और इस पे यन दबाकर। अगला शॉर्टकट की है अल्ट और प्रिंट स्क्रीन, मतलब जो है कि स्क्रीन शॉट जो मारते हैं हम लोग मोबाइल फोन में, इसमें भी आप मार सकते हैं। जैसे ये आपका है, दिख रहा है, ये देखिए जो है दिख रहा है, इसका स्क्रीन शॉट हमें मारना है तो आप अच्छे से मार सकते हैं इसको, देखिए। और अल्ट और ये जो है आपका स्क्रॉल लॉक जो लिखा रहता है कीबोर्ड में, उसके जस्ट बगल में ही प्रिंट स्क्रीन का जो है बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे, देखिए स्क्रीन शॉट हो चुका है और पेंट में हम जाकर देख सकते हैं इसको। इसको क्लिक करके आप स्क्रीन शॉट जो किए रहेंगे उसको पेंट में आकर और कंट्रोल भी दबा देंगे, देखिए ये आपका दिख रहा है, स्क्रीनशॉट हो चुका है, देखिए आपका दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर तक पूरा हम स्क्रीनशॉट हो चुका है। तो आप इस तरह आप कर सकते हैं प्रिंट स्क्रीनशॉट, इस तरह कर सकते हैं। अल्ट स्क्रीनशॉट जो बटन है उस पर क्लिक करके आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगले ट्रिक की ओर हम चलते हैं। अगला है आपका कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, देखिए इस तरह आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये आप चाहेंगे तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, लॉक दिस कंप्यूटर है, ये सब ऑप्शन है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद बैक चलते हैं अगला ट्रिक पे। उसके बाद पहली बटन स्केप बटन जो होती है उसको आप दबाएंगे, देखिए ये आपका खुल रहा है आपका, देखिए जो हम विंडोज बटन से खोल सकते हैं ऑल प्रोग्राम सर्चिंग बॉक्स, उसी तरह आप कंट्रोल स्केप दबाकर भी खोल सकते हैं। अगला क्या है अल्ट स्केप दबाएंगे तो देखिए स्टेटस बार में आपका दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटस बार में ये देखिए आपका दिख रहा है, चाहे इस पर आप जाके चाहे पेंट खोलना है तो पेंट पर सिलेक्ट करके पेंट को एंटर कर देंगे, फिर अगर हमें टाइपिंग खोलना है तो टाइपिंग को सिलेक्ट करके खोल सकते हैं, नोट पैड को सिलेक्ट करके खोल सकते हैं, इस तरह करके हम बारी बारी सबको खोल सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी अल्ट प्लस एस्केप। अगला है F2। देखिए कोई भी फाइल अगर हम जो है कि डेस्कटॉप पे कोई फाइल को हम सिलेक्ट किए रहेंगे तभी ये शॉर्टकट ही काम करेगा। सेलेक्ट कर लिए हम राज वाली फाइल को और F2 हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह बॉक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है, उसमें हम राज को हटाकर कोई और भी नाम दे सकते हैं, जैसे टाटा नाम से फाइल बन गया, देखिए टाटा नाम से दिख रहा है आपका फाइल, यहाँ पे राज हट गया, यानी F2 से रीनेम हम कर सकते हैं, रीनेम फोल्डर, ठीक। अब देखिए F3 को हम कर लेते हैं, देखिए F3 से क्या होता है, हम F3 दबाएंगे तो देखिए ये सर्चिंग बॉक्स खुल गया, ठीक, सर्चिंग रिजल्ट लिखा है और यहाँ पे आपका बॉक्स है, इसमें हमें जो फाइल खोलना है, जैसे अभी टाटा नाम से फाइल बनाए थे, देखिए खुल गया। अब टाटा जैसे ही सर्च करेंगे और आपका खुल जाएगा, ठीक। तो ये आप F3 से आप कोई भी फाइल को रिसर्च करके निकाल सकते हैं।
इसको हम कट कर देते हैं, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। F5 रिफ्रेश, सेम जैसे F2 था उसी तरह F5 भी है। F5 हम क्लिक करेंगे कीबोर्ड से तो काम नहीं करेगा जब तक हम एक बार रिफ्रेश नहीं करेंगे, जब तक एक बार हम रिफ्रेश नहीं करेंगे। देखिए एक बार रिफ्रेश कर दिए हम कीबोर्ड से, उसके बाद F5 करेंगे तो देखिए रिफ्रेश हो रहा है। जब तक एक बार नहीं करेंगे, हिंट नहीं देंगे कंप्यूटर को, तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि F5 से अब करना क्या चाह रहे हैं। तो अगला ट्रिक के तरफ चलते हैं जो Alt F4। देखिए क्या आता है, कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, एक प्रोग्राम खुला हुआ है पेंट, और Alt F4 हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा यानी कट जाएगा, पूरा अच्छे कट गया, स्टेटस बार में भी नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या है, Alt F4 से आप इसको काट सकते हैं। ठीक, ये एक अच्छी ट्रिक है। और इस तरह की Alt F4 से शट डाउन भी होता है, आप लोग पता होगा Alt F4 से शट डाउन भी होता है। और पहले सबसे पहले प्रोग्राम जो खुला रहेगा वो कट होगा। ठीक, जो प्रोग्राम खुला रहेगा वो कट होगा, उसके बाद ही जो है कि कुछ नहीं खुला रहेगा तो Alt F4 से शट डाउन होगा। अगला है आपका Alt+Enter हम दबाएंगे, Alt+Enter कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर और Alt+Enter हम दबाएंगे तो देखिए ये उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। बिना सेलेक्ट किए फाइल को हम अगर Alt+Enter दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, पहले सेलेक्ट कर फाइल को, उसके बाद आप क्लिक करिएगा, मतलब Alt+Enter को दबाइएगा तो देखिए आपका इस तरह मतलब सारी डिटेल्स खुल जाएगी, क्रिएटेड ये सब लिखा हुआ है, आपका साइज है, लोकेशन है, एक्सटेंशन फाइल है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं सिर्फ Alt+Enter दबाकर फाइल को सेलेक्ट करके। अगला ट्रिक है Shift+F10। Shift+F10 क्या है आप पहले जान लीजिए, Shift+F10 इसके लिए भी फाइल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ये फाइल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और Shift+F10 दबाएंगे, देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, इस तरह क्या है, ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आ गया, सेंड कर सकते हैं, कट कॉपी सारा कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपका माउस अगर काम नहीं कर रहा है तो फाइल को सिलेक्ट करके Shift+F10 दबाएंगे तो इस तरह ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक, एक बार और देख लीजिए, Shift+F10 बटन को दबा दिए, देखिए इस तरह जो है ऑप्शन खुल जाएगा। अगली ट्रिक चलते हैं Shift+Delete। देखिए ये जो फाइल है दो तरीके, पहले सबसे पहले हम की माउस से कर दिखा रहे हैं, ये डिलीट करेंगे तो देखिए इस तरफ बॉक्स खुल रहा है, रिसाइकल लिखा है ना, रिसाइकल डिलीट फाइल, ये जो ग्लास का चिन्ह दिख रहा है इसमें देखिए लिखा है Are you sure यू वॉन्ट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, ये जो है कि मूव हो जाएगा यानी घूमकर रिसाइकल बिन में चला जाएगा। इस फाइल को देख लेते हैं, अगर यस करेंगे तो देखिए रिसाइकल बिन में वो चला गया फाइल। रिसाइकल बिन कहाँ है आपका, देख लीजिए रिसाइकल बिन जो है कि जहाँ पे यहाँ पे है, यहाँ पे जाकर देखेंगे तो राम वाली फाइल यहाँ पे आ चुका है, इसको हम फिर निकाल लेते हैं। ठीक, अब इसको अगर हमेशा के लिए डिलीट करना है तो इसके लिए अलग शॉर्टकट की है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम और Shift+Delete दबाएंगे, Shift+Delete बटन दबाएंगे तो इस तरह ऑप्शन खुलेगा, Shift+Delete दबाएंगे बटन को तो इस तरह ऑप्शन खुलेगा, Are you sure you want to permanently डिलीट दिस फाइल, यानी कि हमेशा के लिए इस फाइल को डिलीट करना आप चाह रहे हैं तो इसके लिए यस कर देंगे तो हमेशा के लिए वो फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले ट्रिक चलते हैं जो विंडोज़ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले विंडोज़ से देखिए ये होता है ऑल प्रोग्राम सर्चिंग, इससे आप कोई भी प्रोग्राम को सर्च करके निकाल सकते हैं, जैसे नोट पैड हो गया, इस तरह करके आप नोट पैड निकाल सकते हैं। ठीक, कोई भी सॉफ्टवेयर का सर्च करके निकाल सकते हैं। फिर विंडोज डी होता है, देखिए विंडोज डी से क्या होता है, ये जो अभी फाइल को छिपाएंगे उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, फाइल को छिपा सकते हैं और फिर खोल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, विंडोज डी से। अगला जो है विंडोज यम, जैसे कोई फाइल खुला हुआ है, ये खुला हुआ है फाइल और विंडोज यम हम दबाएंगे, देखिए चला जाएगा लेकिन विंडोज यम से नहीं आएगा। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विंडोज यम से नहीं खुल रहा है, हम उसको खोलना चाह रहे हैं तो विंडोज Shift+M दबाएंगे तो देखिए वो फाइल जो है कि खुल जाएगी। विंडोज Shift+M जो दबाएंगे, जैसे फाइल छिप गई विंडोज यम से, तो विंडोज Shift+M दबाएंगे तो फाइल खुल जाएगी। विंडोज Shift+ विंडोज यम से
मिनिमाइज होगा और मैक्सिमाइज क्या होगा, विंडोज यम से ही होगा, यम विंडोज शिफ्ट प्लस यम से होगा, ठीक, छिपेगा और आएगा और जाएगा, ठीक। अगला जो है ट्रिक विंडोज ई, बहुत महत्वपूर्ण जो है कि ट्रिक है विंडोज प्लस ई, विंडोज प्लस ई देखिए दबाएंगे तो इसमें क्या खुल कर आ रहा है आपका मेमोरी, ये आपका तीनों मेमोरी है, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, मतलब लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी और लोकल डिस्क ई, इस तीनों को आप डायरेक्टली खोल सकते हैं सिर्फ विंडोज प्लस ई से, विंडोज दबाकर और ई दबा देंगे तो आपका खुल जाएगा। अब अगला चलते हैं, हम अगली ट्रिक पे चलते हैं, विंडोज प्लस टैब, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, विंडोज बटन को दबाकर और टैब दबाएंगे तो देखिए इस तरह, ये देखिए आपको सबसे पहले देख लेते हैं बहुत सारा प्रोग्राम खुला है, आप देख सकते हैं इस तरह आप करके देख सकते हैं, देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है। आप एक साथ में 10, 5, 6, 7, 8 सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, जैसे इसमें हम कुछ लिख लिए काम कर लिए और इसके बाद हमें दूसरे भी सॉफ्टवेयर में काम करना है इसी के साथ, तो टाइपिंग में करना है तो टाइपिंग में आ सकते हैं, देखिए इसमें भी आकर कर लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है कि इसमें लिख के अगर हम चाहिए टाइपिंग कर लें, ये टाइपिंग है, ये टाइपिंग है, देखिए टाइपिंग खुल गया, टाइपिंग आप कर सकते हैं, टाइपिंग करके इस तरह टाइपिंग करके इसको भी नहीं करना है तो फिर दूसरा सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, इस तरह करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप खोल सकते हैं, ठीक। हज़ारों पे काम कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, इसमें ऐड करके फिर से आकर कुछ और सॉफ्टवेयर, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर पे आप काम कर सकते हैं एक साथ में विंडोज टैब की को दबाकर, देखिए पेंट में आ गए, पेंट में हम काम कर सकते हैं, ठीक। इस तरह करके हम बहुत सारा जो है सॉफ्टवेयर पे एक ही साथ पे काम कर सकते हैं विंडोज टैब की के माध्यम से। अब चलते हैं विंडोज यफ वन, अरे विंडोज यफ, सिर्फ विंडोज यफ हम दबाएंगे, देखिए जो F3 से आया था रिसर्च रिजल्ट वही चीज़ खुल कर आ गया है विंडोज F से, आप इसमें भी आप सर्च कर कर जो भी फाइल हमें खोलना है, जैसे टाटा उस बार किए थे, देखिए टाटा नाम से, टाटा गलत लिखिए हैं, टाटा सही से लिखेंगे तो देखिए फाइल आ जाएगी, देखिए टाटा नाम से तीन फाइल बनी हुई है, तीनों आपका दिखा रहा है। अगला चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ, विंडोज प्लस F1, विंडोज प्लस एफ वन, देखिए ये आपका विंडोज प्लस एफ वन से क्या होगा, विंडोज का हेल्प ले सकते हैं, जो है कि विंडोज जो चल रहा है विंडोज उसको हेल्प ले सकते हैं, उसका हेल्प, देखिए ये ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है हाउ टू गेट स्टार्ट विथ योर कंप्यूटर, ये सब लिखा हुआ है, आप जो है कि ध्यान से देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसको दबाकर देखिए इसके बारे में जानकारी है, इसको जो भी है मतलब आप ले सकते हैं अच्छे से जानकारी, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सारा डिटेल्स में देगा, हेल्प देगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप जानकारी ले सकते हैं विंडोज प्लस एफ वन से, ठीक। अगला चलते हैं विंडोज प्लस आर, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है जो विंडोज प्लस आर, देखिए विंडोज प्लस आर इस तरह बॉक्स खुल जाएगा, हमें जो खोलना है देखिए खुला हुआ है बॉक्स, रन बॉक्स इसका नाम है, रन बॉक्स, इसमें आप कोई भी चीज़ हमें खोलना है उसका शॉर्ट नेम लिखेंगे, फाइल का शॉर्ट नेम, जैसे डॉस का शॉर्ट नेम होता है सी एम डी लिखेंगे और इंटर दबाएंगे, देखिए इस तरह जो है कि डॉस खुल जाएगा, इस तरह डॉस खुल गया, ठीक। इस तरह आप कर सकते हैं रन बॉक्स का उपयोग सिर्फ विंडोज प्लस आर से। अगला शॉर्टकट की है विंडोज प्लस पुश ब्रेक, ध्यान से देखिएगा विंडोज प्लस पुश ब्रेक का बटन हम दबाएंगे, देखिए इस तरह बॉक्स खुल कर आ जाएगा आपके सामने, खुल गया है बॉक्स, इसमें देखिए आप मेमोरी के बारे में जान सकते हैं कितना इस लैपटॉप जाए डेस्कटॉप लगा है, आप उसका पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं कितना रैम है, कितना रोम है, कितना प्रोसेसर है, कितना क्या है, सारा कुछ इसमें दिखाई दे रहा है आपके सामने, खुला हुआ है आप देख सकते हैं ध्यान से। अगली ट्रिक बताने जा रहे हैं, ठीक, सिर्फ इसको क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस पुश ब्रेक, ठीक, अल्ट प्लस पुश ब्रेक से ये ऑप्शन खुल जाएगा। और अगली ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि विंडोज प्लस यू, देखिए ये आपका बॉक्स खुल जाएगा, ये आपके सामने खुल गया है, कंट्रोल पैनल, इससे आप सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, सारा चीज़ माउस का कर्सर चेंज कर सकते हैं, ये सब सारा कुछ जो है कि कंट्रोल पैनल से किया जाता है, कीबोर्ड
माँ उस सारा का जो है यहाँ से सेटिंग होता है, तो ये आप कर सकते हैं सिर्फ विंडोज प्लस यू से। विंडोज प्लस यू से आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, खोल सकते हैं डायरेक्टली इस फाइल को, खोल सकते हैं कंट्रोल पैनल को। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, विंडोज प्लस यल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए कोई भी चीज़, पिक्चर्स, मूवी, कुछ भी आप देख रहे हैं, अगर कोई आ गया झटके में आ जाता है, जल्दी से आप उसको बंद करना चाह रहे हैं, तो आपका अगर बंद करने में टाइम लगेगा भाई, सब डाउन करने में भाई कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे, और तुरंत आप सिर्फ विंडोज यल दबा देंगे, इस तरह लॉक हो जाएगा कंप्यूटर। देखिए इस तरह लॉक हो चुका है। अब कोई भी चीज़ फिर से खोलना रहेगा तो सिर्फ इंटर दबा देंगे तो आप डायरेक्टली वहीं से खुल जाएगा, यानी कि आपका जो देख रहे थे वो चीज़ रुक जाएगा वहीं पर। सिर्फ विंडोज प्लस यल दबा देंगे, विंडोज प्लस यल दबा देंगे तो देखिए पेंट जो खुला है वो लॉक हो गया, एकदम दिख नहीं रहा है। जैसे इंटर दबाएंगे देखिए पेंट खुल गया, तो वही चीज़ है, विंडोज प्लस यल दबा देंगे तो आपका जो है कि लॉक हो जाएगा। ठीक, विंडोज प्लस यल इस तरह दबा कर आप जो है कि अच्छे से कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, विंडोज़ का सारा शॉर्टकट की जो है हम बता दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि आप लोगों को बताया गया। जो भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि सभी लोगों को नॉलेज पहुँच जाए और हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएँ। सारे लोगों के पास नॉलेज बढ़ेगा तो हमारी कंट्री आगे जाएगी, इसलिए सारे लोगों को एजुकेटेड बनना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों का जो है डिजिटल जो है कि डिजिटल के क्षेत्र में हमारी जो है कि बहुत ज़रूरी है जो है नॉलेज बढ़ाना, हमारा भी और आप लोगों का भी और सभी लोगों को भी डिजिटल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी जाकर हमारा कंट्री, हमारा देश जो है कि आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले क्या है कि आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से और उसको फॉलो करिए, उसके बाद अच्छे से समझ में आए तो और लोगों को बताइए, और उसके बाद शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।